हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, जब से कोरोना आया, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने अपनी हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर बहुत काम किया, वेट लॉस भी किया, लेकिन इस दौरान एक बॉडी पार्ट जिससे हमने ढेर सारा काम लिया, काफ़ी स्ट्रेन दिया उसको, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा, वो है हमारी ये आँखें। आज हम हर काम के लिए मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर ही डिपेंडेंट होकर के रह गए हैं। स्टडीज से लेकर के शॉपिंग तक, ऑफिस वर्क से लेकर के डॉक्टर से कंसल्टेंसी तक, सब कामों के लिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर निर्भर हैं। और यही रीजन है कि आंखों पर बहुत स्ट्रेन आ रहा है और अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफी आईज और रिंकल्स अराउंड आईज की प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को हो रही है। तो आज के वीडियो में हम आईज से जुड़ी इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, माना कि कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों घंटों काम करना पड़ता है, लेकिन आप बीच बीच में अपनी आईज को ब्लिंक करते रहिए इस तरीके से। इससे आपकी आईज ड्राई नहीं होंगी और आईज के अराउंड मसल्स की एक्सरसाइज होती रहेगी, जिससे आपको पफी आईज की प्रॉब्लम नहीं होगी, डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे, रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारी आईज के आसपास की स्किन ना हमारी पूरी बॉडी की स्किन में सबसे ज्यादा टेंडर होती है, डेलिकेट होती है, और अगर आईज को इतना स्ट्रेन दे रहे हैं तो आईज के आसपास की स्किन को ल्यूब्रिकेट करना, हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप एक अच्छी क्वालिटी की अंडर आई क्रीम यूज कीजिए। सो हियर आई विल सजेस्ट यू अ वेरी वेरी गुड अंडर आई क्रीम, दैट इज एम कैफीन कॉफी अंडर आई क्रीम। एम कैफीन इज इंडियाज फर्स्ट कैफीनेटेड ब्रांड। आई एम टेकिंग एम कैफीन 40 डेज चैलेंज। मैं इसे कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। इसका मेन इन्ग्रीडियंट है कॉफी। कॉफी इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉफी में होता है कैफीन। कैफीन इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन एंड हेयर। अंडर आई डार्क सर्कल्स और पफी आईज की प्रॉब्लम को दूर करता है कैफीन। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है आपके आईज के आसपास की स्किन पर और साथ ही साथ आपकी स्किन को टोन भी करता है। एम कैफीन कॉफी अंडर आई क्रीम का दूसरा हीरो इंग्रेडिएंट है व्हाइट वाटर लिली एक्सट्रैक्ट, जो कि आईज के आसपास की फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है और स्किन को डीपली नरिश करता है। हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, जो कि स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, मॉइस्चर को आपकी स्किन में लॉक करता है। साथ ही साथ स्वीट आमंड ऑयल और विटामिन ई ऑयल है, जो कि आपकी स्किन को इंटेंसली मॉइस्चराइज करते हैं और एंटी एजिंग से भरे हुए होते हैं ये ऑयल। मैं इसे रात को सोने से पहले लगाती हूँ, इस तरीके से थोड़े से अमाउंट में अपने हाथ में लेती हूँ एंड आई जस्ट अप्लाई इट अराउंड माय आईज। हल्की हल्की मसाज करती हूँ। इसे स्किन पर लगाते ही, मसाज करते ही ऐसे लगता है जैसे कि सारी थकान दूर हो गई। तो अगर आपको भी पफी आईज की प्रॉब्लम है, अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या रिंकल्स की प्रॉब्लम है एंड आप कोई अच्छी अंडर आई क्रीम ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। एम कैफीन कॉफी अंडर आई क्रीम सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। इसे मेन एंड वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये एंड पैराबिन एंड SLS फ्री है। तो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। आपकी अंडर आई स्किन हमेशा सॉफ्ट रहेगी, प्लम्प रहेगी, रिंकल्स फाइन लाइन्स जल्दी नहीं आएंगे, डार्क सर्कल्स हैं और पफी आईज की प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट टिप की तरफ और वो है आपकी डाइट। जी हाँ, जो आप खाते हैं वही आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। तो अंडर आई स्किन की अच्छी हेल्थ के लिए, आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए बीट रूट, आंवला, बादाम, अलसी और पालक, गाजर, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आई स्ट्रेन भी रिड्यूस होगा और पफी आईज या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आपको है तो वो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको स्पेशली पफी आईज की प्रॉब्लम है तो आप रात को चावल अवॉइड कीजिए और सैलेड एंड फ्रूट भी अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर बहुत हेल्प करता है स्पेशली आईज के अराउंड के रिंकल्स को दूर करने के लिए, पफी आईज को दूर करने के लिए और डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए। तो आप जब भी अंडर आई क्रीम लगाएं या कोई ऑयल लगाएं अपनी आंखों के आसपास या रात को सोने से पहले, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जरूर दबाइएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके आईज के जस्ट यहाँ पर कॉर्नर पर, इनर कॉर्नर पर, इस तरीके से इसको आपने प्रेस करना है तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए, इस तरीके से।
एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके आईब्रोज के जस्ट बीचों बीच. दिस इज अ वेरी गुड एक्यूप्रेशर पॉइंट टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज आई स्ट्रेन. नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके आईब्रोज के जस्ट बीचों बीच. आईब्रोज के जस्ट बीचों बीच यहाँ इस तरीके से दबाएंगे. नेक्स्ट इज योर टेम्पल. टेम्पल की मसाज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. जितने भी प्रेशर पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ 30 सेकेंड्स तक आपको दबाने हैं. और जो लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है आपके आईबॉल के जस्ट बीचों बीच सेंटर में नीचे. आपकी चीक बोन आपको फील होगी जब आप यहाँ पर दबाएंगे. तो यहाँ पर दबाएंगे इस तरीके से. ये एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप दबाते हैं तो आपकी पफी आईज, अंडर आई डार्क सर्कल्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर होगी और साथ ही साथ आपकी आंखें चमकदार होती रहेंगी. आईसाइट भी इम्प्रूव होगी इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक बहुत ही प्यारे वाला आई पैक बता रही हूँ जिसे आप अपने आईज अराउंड एरिया पर लगाएंगे तो आपकी आंखों की थकान भी दूर होगी और अंडर आई डार्क सर्कल्स रिंकल्स दूर होंगे और यहाँ की स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी. ये पैक आपने हफ्ते में दो बार लगाना है एंड दिस इज कोरिएंडर पैक. आपको क्या करना है, थोड़ा सा धनिया लेना है, ठीक है, और उसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए और उसके बाद उसे पीस लीजिएगा. थोड़ा सा पानी या फिर रोज वाटर मिला करके पीस लीजिए उसको. ये देखिए ये धनिए का पैक तैयार है. इसे आपने कॉटन बॉल्स के ऊपर रखना है और फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए. और फिर ये कॉटन बॉल्स आपने अपने आईज के ऊपर इस तरीके से रख देनी है और 15 मिनट तक इन्हें रख करके लेट जाइए. आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, यहाँ से बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी. डार्कनेस जो यहाँ की थी, पिगमेंटेशन अगर यहाँ पर हो रखा था वो दूर हो जाएगी और आईज की चमक भी बढ़ जाएगी. तो ये पैक यूज़ कीजिएगा, आपके बहुत काम का है. तो ये था मेरा आज का वीडियो आई स्ट्रेन को दूर करने के लिए, रिंकल्स पफी आईज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और साथ ही साथ अंडर आई डार्क सर्कल्स अगर आपको हो गए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे अगर ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करोगे. तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ. मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियां बांटते रहिएगा क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है. बाय बाय.